हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। एक क्लोज इंटरवल में फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा समझाया था, इसका वर्किंग रूल हमने देखा था। अब जो हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो हमको क्लियर होएगा कि हमको इसको करना कैसे है ना। ओपन इंटरवल के लिए हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, क्लोज इंटरवल के लिए हम यहाँ से देखते हैं हम कैसे करेंगे। सो लेट्स टेक एट एग्जांपल नंबर 39। एग्जांपल नंबर 39 देखते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय, ये f ऑफ x फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 1.5। तो 1.5 इंटरवल में मुझे इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एफ डैश एक्स निकालूंगी और उसको जीरो के इक्वेट करूँगी। वहाँ से मेरे को क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। यही कहता है हमारा वर्किंग रूल। देखो ये हमारा वर्किंग रूल है, इसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे हम। क्या कहता है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल दैट इज पॉइंट्स एक्स वेयर आइदर एफ डैश इक्वल्स टू जीरो और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखा, 2x³ - 15x² + 36x + 1 और एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x। एफ डैश एक्स इज डेरीवेटिव, तो डेरीवेटिव ऑफ 2x³ इज 6x², 15x² का डेरीवेटिव इज 30x एंड 36x का 36। तो इस पूरे में से मैं चाहूँ तो 6 कॉमन ले सकती हूँ, ये मेरे पास बचा x² - 5x + 6। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे -5 आए, तो वो हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6। तो x (x-3) - 2 (x-3) तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 6 (x-3) - 2। जैसे ही मैं इसको जीरो के इक्वेट करती हूँ, 6 = 0 इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से मेरे को दो फैक्टर्स मिलेंगे, x = 2 एंड x = 3। नाउ वी शैल नाउ इवेल्यूएट द वैल्यूज ऑफ f एट दीज पॉइंट्स एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल 1.5। तो मैं स्टेप टू क्या कहती है, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। अब मेरे को एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं, यानी एक तो 2 और 3 लेना है x को, और एक मेरे को ये एंड पॉइंट्स लेने हैं, यानी 1 एंड 5। सो एट x = 1, x = 2, x = 3 एंड x = 5 पे स्टेप 3 कहती है कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ f। मुझे f की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यानी मैं क्या निकालूंगी, f(1), f(2), f(3) एंड f(5। तो ये मेरा f दे रखा है, f(1) निकालूंगी तो x की जगह 1 रख दूंगी, f(2) निकालूंगी x की जगह 2 रख दूंगी, f(3) निकालूंगी x की जगह 3 रख दूंगी और f(5) निकालूंगी जब x की जगह 5 रख दूंगी। तो f(1) स्टूडेंट्स मेरा आया 24, f(2) इज 29, f(3) इज 28 एंड f(5) इज 56। तो इन सब की वैल्यूज़ को देख के हमको क्या लग रहा है, 24, 29, 28, 56 मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एंड द मिनिमम इज 24। तो मैक्सिमम वैल्यू आई है मेरी f(1) एंड मिनिमम वैल्यू आई है f(5), यानी x = 1 इज माई एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा एंड x = 5 इज माई एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमा। सॉरी, f(1) इज मैक्सिमा एंड f(5) इज मिनिमा। दस वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(1, 5) इज 56 अकरिंग एट x = 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f(1, 5) इज 24 विच अकर्स एट x = 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बहुत सिंपल था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने देखा बहुत सिंपल था, और ये यहाँ हमने क्लोज इंटरवल के टेस्ट की बात की जो भी बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 40 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 40 क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय, f(x) मुझे दे रखा है 12x^4/3 - 6x^1/3 वेयर x बिलोंग्स टू -1, 1। तो मेरे एंड पॉइंट्स तो हो गए -1 एंड 1। अब इसको मेरे को डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के इक्वेट करके मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये मेरा f(x) है, मैं f(x) निकालती हूँ, मेरा f(x) कितना हो जाएगा, 12x^4/3, तो 4/3x^4/3 - 1, 4/3 - 1 = 1/3। तो ये हो गया 4/3x^1/3, 12 बाहर मल्टीप्लाई में है, 3 × 4 = 12, तो ये हो गया 16x^1/3। इसी तरह से 6x^1/3 का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हो जाएगा 6 × 1/3x^1/3 - 1, यानी ये हो गया 2x^-2/3।
तो 2x की पावर माइनस 2 बाय 3, तो माइनस 2 बाय 3 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 अपॉन x की पावर 2 बाय 3, तो ये हो गया 16x की पावर 1 बाय 3 माइनस 2 अपॉन x की पावर 2 बाय 3। x की पावर 2 बाय 3 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे ये कितना बच गया, x की पावर 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 विच इज़ x, तो ये हो गया 16x माइनस 2, 16x माइनस 2 में से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बचा 8x माइनस 1। तो जैसे ही मैं इसको एफ डैश एक्स को ज़ीरो करती हूँ, एफ डैश एक्स को ज़ीरो करते ही मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 1/8। फर्दर नोट दैट एफ डैश एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स क्योंकि अगर x ज़ीरो हो जाएगा तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी, तो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, देखो यहाँ पे वर्किंग रूल में हमने स्टेप वन में ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f इन द इंटरवेल, दैट इज वो पॉइंट्स जहाँ पे आइदर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो और f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये अगर x को ज़ीरो कर देते हैं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, एक तो x इक्वल्स टू 1/8 और x इक्वल्स टू ज़ीरो पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है, तो एक और क्रिटिकल पॉइंट आया मेरे पास x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स वापस मेरे पास कितने 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, एक तो हो गया x इक्वल्स टू 0, 1/8 और 2 इसके एंड पॉइंट्स हुए, दैट इज़ -1 एंड 1। सो x इक्वल्स टू 0, 1/8, -1 एंड 1, तो f ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह माइनस 1 रख देंगे 18, f ऑफ 0 आ रहा है 0, एंड यहाँ से अगर मैं f ऑफ 1/8 निकालती हूँ तो वो आ रहा है -9/4 और f ऑफ 1 निकालती हूँ तो वो आ रहा है 6। अब इनमें से मैक्सिमम इज़ 18, है ना, तो f ऑफ माइनस 1 यानी x इक्वल्स टू माइनस 1 पे जो वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, -9/4, 0 इज़ नॉट मिनिमम, 0 से छोटा इज़ नेगेटिव नंबर, सो -9/4 इज़ आवर मिनिमम, वो किस पे आ रही है, 1/8, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ -9/4 बट मैक्सिमा पॉइंट जो है तो वो किस पे आ रहा है, x इक्वल्स टू 1/8 पे। तो हैंस वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज़ 18 दैट अकर्स एट x इक्वल्स टू -1 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज़ -9/4 दैट अकर्स एट x इक्वल्स टू 1/8। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और जहाँ पे f डिफरेंशिएबल नहीं है वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल की बात करते हैं वो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 41, लास्ट एग्जांपल है हमारा। नाउ व्हाट इज़ एग्जांपल नंबर 41, एंड एपेक हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व गिवन बाय y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक कर्व दे रखा है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 जहाँ पे कोई एनिमी का हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई कर रहा है। ए सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम। तो एक सोल्जर है वो उसको 3,7 पॉइंट पे शूट करना चाहता है जब वो उसके सबसे नज़दीक होगा, तो मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x द हेलीकॉप्टर्स पोजिशन इज़ एट पॉइंट x, x² + 7। तो अगर मैं x, y हेलीकॉप्टर की पोजिशन बताती हूँ तो y किसके बराबर है, x² + 7, तो हेलीकॉप्टर की पोजिशन क्या हो गई, x, x² + 7। मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से, 3,7 पॉइंट से। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 इज़, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x² - x1² + y² - y1² होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 यानी x-3 का, किसी को भी आप x2 मान सकते हो, किसी भी पॉइंट को x1 मान सकते हो। तो ये हो गया x-3 का स्क्वायर, इसने यहाँ पे इसको x1 y1 माना है और इसको इसने x2 y2 माना है। तो ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस x² + 7-7 का होल स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। तो मेरा f ऑफ x क्या हो गया, x-3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। नाउ एफ डैश एक्स, अब ये मेरी एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आई, अब मैं इसको ज़ीरो के इक्वेट करूँगी, तो यहाँ ये एफ ऑफ एक्स आया, इसका डेरिवेटिव निकालूंगी। तो x-3 के स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू x-3।
और x का हो गया वापस 1 प्लस x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। सो ये इसकी वैल्यू हमने रख दी 2 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको हमने इस तरह से बाइफरगेट करके लिख दिया। तो जैसे ही मैं f डैश x को ज़ीरो करूँगी, एक पॉइंट तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी मेरे को कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगी। ऑल्सो देर आर नो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल दे ही नहीं रखा है तो कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं दे रखे हैं। तो देर आर नो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल टू बी एडेड टू द सेट फॉर विच एफ डैश इज जीरो, दैट इज देर इज़ ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। अब इस x इक्वल्स टू 1 पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आई, 5। तो हमसे इसने ना मैक्सिमा मिनिमा इसने खुद नहीं पूछा है, नियरेस्ट डिस्टेंस, तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, दस द डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर इज एफ ऑफ 1 विच इज़ इक्वल्स टू रूट 5, बिकॉज ये मेरा एफ ऑफ x था ना, एफ ऑफ x था मेरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ये डिस्टेंस थी, है ना। तो डिस्टेंस को अगर मैं इसका रूट निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, रूट 5। नोट दैट रूट 5 इज़ आइदर मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू, लेकिन रूट एफ 0 अगर निकालती हूँ तो वो कितनी आ रही है, 3। और रूट 5 जो है, रूट 5 होती है 2 पॉइंट समथिंग, है ना। रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 समथिंग वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है 3, वो 5 से बड़ी आ रही है। इट फॉलोज दैट रूट 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट एफ एक्स, हैंस रूट 5 इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर। मैंने 0 पे वैल्यू निकाल के देख ली, 0 पे जो वैल्यू आई 3, उससे रूट 5 बड़ी है। तो इससे यहाँ से हमने क्या कह दिया कि रूट 5 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच में। नाउ इट्स योर वर्क टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.5 में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन आर देयर, एंड आप इनको ट्राई कीजिए। जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, और भी जो इससे इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको टाइमली अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन तब तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आपके दो चैप्टर बच रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, वो हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म 1 सिलेबस। तो इसकी आप जो मैंने अभी तक 4 चैप्टर हो गए, 1st, 2nd, 5th एंड 6th, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।